आमयाग गुण हरेक गुण नाही, अमृत छाट बिख बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास हाट कीरत की, गुरु रामदास रखो सरनाई, एक अरदास हाट कीरत की, गुरु रामदास रखो सरनाई, सुकहो टल गुर सेविया, अहिन सुसहिज सुताय, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, हुआ सिपत खसम दी नूर अरसों पुरसों चटिया, तोद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसांदा साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसांदा साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु, सतनाम वाहे गुरु साहिब जी, वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम भया राम, तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम भया राम, तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर बिनासे, सतगुर से परम पद पाया, हर जपिया सास गेरा से, जिन कौ हर प्रभु कृपा धारी, ते सतगुर सेवा लाया, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया, मेरा सतगुर प्यार, मैं गुर बिन रहन ना जाई राम, हर नाम देवा, मेरा अंत सुखाई राम, हर हर नाम मेरा अंत सुखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, जिथा पुत कलत्र कोई बेली नाही, तिथा हर हर नाम छड़ाया, धन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम थियाई, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुर बिन रहन ना जाई,
जिनी दर्शन सतगुर पुरख न पाया राम, तिन निफल जन्म सा बिरथा गवाया राम। निफल जन्म तिन बिरथा गवाया, ते साकत मोए मर झूरे, कर हुंदा रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिनका दर्शना करिया, जिनी हर हर नाम ना त्याया। जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया। हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती राम। गुर मेल मेरा प्यारा, हम सतगुर करह भगती राम। हर हर सतगुर करह भगती, जा हर प्रभ कृपा धारे। मैं गुर बिन अवर न कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती। हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती। हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संग जीओ, वडहंस राग दे चौथे पातशाह दा ये चौ पदा है, ते चारे पदियां दे गुरु दी महिमा, गुरु दी वडियाई, गुरु दी खासियत, गुरु दी उपलब्धि, इस सब कुछ दा जिक्र है। इसनु थोड़ा जिहा मैं इंज बयान करा, सूरज दी महिमा है इस करके रोशनी है, प्रकाश है। जलदा होया दीवा अंधकार नो नाश करदा है। वो जो दीवे दी ज्योति है, उसने अंधेरे नो मिटाया, दीवे ने अंधेरे नो नहीं मिटाया। अगर बुझिया होया दीवा होवे, उन्हों भी दीपक ही कहंदे ने, फिर ते अंधेरा नहीं मिटे। ते जब अंधेरा नहीं मिटिया, तो फिर वो दीपक किस तरह होया? इस नुक्ते नू समझना। हुण सवाल यह पैदा होंदा है, रोशनी जोत करके है कि दीपक करके? हनेरा रात नास होया उस जोत करके के दीवे करके? जोत ते है नहीं, जल्दी हुई ते काया नू गुरु कहना और काया नू गुरु समझना, ये दोवें पासे अंधेरे दे टकराना है, होर कुछ भी नहीं। परमात्मा परम प्रकाश है, तो गुरु भी परम प्रकाश। इस वास्ते गुरबाणी कह रही है, गुरु ते परमात्मा दे कोई अंतरा नहीं है। नानक सो दे सिमरत बेद,
पार ब्रह्म गुर नाहि बे। ओ भी दीवे जिन्हां दे अंदर ए जोत नहीं है, मनुख दीवे दी तरह है। सब दीवे ने पर बुझे हुए, बुझे जोत सारी दी सारी सूरज तो आउंदी है। अज ते साइंस इस गल नाल सहमत है, अग जिधरे भी है, रोशनी किधरे भी है, चाहे बिजली दे राही प्रगट हो रही है, चाहे अगन दे राही प्रगट हो रही है, दीवे दे राही, सब सूरज दी है। पानी किधरे भी है, चाहे सरोवर दे चाहे घड़े दे चाहे दरिया दे चाहे झील दे चाहे झरने दे चाहे, पानी सारा सागर दा ही है। सारे दा सारा पानी सागर दा है। रोशनी सारे दी सारी सूरज दी है, चाहे वह दीवे दे चाहे। परमात्मा प्रकाश है, गुरु प्रकाश है, परमात्मा परम प्रकाश है, गुरु उस प्रकाश नूं वंडण वाला है, फैलाण वाला है। वो ऐसा दीपक है, उस ज्योति नूं वंडदा है, उस चानणे नूं जो है वंडदा है। हुण मैं फिर अर्ज करां, ये जोत ना होवे, चानणा ना होवे, क्या फिर ऐसा दीवा अंधकार नूं नाश कर सकेगा? आम लोकां नूं समझ के वी नहीं पैंदी भई ये जलदा होया दीवा नहीं है। तो गुस्ताखी माफ, अंधी कमी अंध मन, मन अंधे तन अंध, चिखड़ लाइए क्या थिए जा टूटे पत्थर बंद। अंधापन है। हुण अंधेपन विच किस तरह पता चले दीवा जलदा पिया के बुझिया है, किस तरह पहचान हो कि दीपक जलिया होया कि बुझिया होया? ये बोध किस तरह होवे? तो मैं अर्ज करा, चूंकि चार पदयां विच गुरु दी महिमा, खास करके सिख जगत विच इस संबंधी बहुत वड्डा भुलेख है। यही कारण है कोई ते देहधारियां दे पिछे पै गया बई यही गुरु ने, कुछ कबरां दे पिछे पै गए, मड़ियां दे पिछे पै गए। ये सब तो ज्यादा सिलसिला पंजाब दे च देखण नूं मिलदा है, और गजब दी गल सिख जगत दे च। ऐसा क्यों? ना परमात्मा दी समझ, ना गुरु दी समझ। इसनों मैं इस तरह बयान करदा हुंना, नानक सोदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। कोई भेद नहीं है, पर भेद नहीं है तो फिर नाम दो क्यों ने? एक नूं परमात्मा कहिंदे ने, एक नूं गुरु कहिंदे, एक नूं ईश्वर कहिंदे ने, एक नूं गुरु कहिंदे ने, नाम दो क्यों ने? और इन्हां दो नामां करके वख वख बोध आउंदा है, वख वख अंदर विचार बनते ने, गुरु शब्द नाल, परमात्मा शब्द नाल, अकाल पुरख दे नाल और गुरु दे नाल। इन्हां दो शब्दां करके वख वख अनुभव आउंदा है। अगर ये एक ने तो फिर ये दो बयान करन दी की लोड़ है? नानक सोदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। हुण इसनूं गुरबाणी इस तरह खोलदी है, जो परमात्मा है उह ते घर है, जो गुरु है वह दर है, दरवाजा है। घर दा प्रवेश द्वार है, गुरु प्रवेश द्वार है। तुसी सारे स्याणे बैठे
जिसने घर दे जाना होगा पहले दर ते ही पहुंचेगा ना, तो दर दे राही प्रवेश मिलेगा। घर की है परमात्मा, परमात्मा की है प्रकाश, गुरु की है दर दरवाजा। ताई ते असी गुरुद्वारा कहते हैं, गुरु द्वारा, गुरु द्वार है, गुरु दरवाजा है। जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, ओही शब्द दे रूप दे गुरु है, प्रकाश दे रूप दे ओ घर है, शब्द दे रूप दे ओ दर है। दर घर दे नाल जुड़े हुए है, अलग नहीं है। पर चूंकि दर जुड़िया होया है, दर दे राही घर दे प्रवेश है, दर दी अपनी महिमा, घर दी अपनी महिमा, तो गुरबाणी कहती है पार ब्रह्म ते गुरु दे कोई भेद नहीं। दर ही ना होवे, प्रवेश द्वार ही ना होवे, तो फिर घर दी की महिमा, फिर घर दी की महिमा। नानक सौदे सिमरत भेद, पार ब्रह्म गुर नाई भेद। या इंज कह लो, उस परमात्मा ने जो अपना घर बनाया, उसने अपने घर का दर भी बनाया। घर उसका अपना है, आप ही ने आप साजे। वो घर की साजना किसी होर ने नहीं की थी, उसकी साजना किसी होर ने नहीं की थी। जे घर की साजना उसने आप की है, तो फिर दर की साजना भी उसने आप की है, किसी होर ने नहीं की थी। इन्हों इस तरह लेना, घर उसका बनाया हो, दर उसे दा बनाया हो, तो जीवा नू कह दिता इस दर दे राही प्रवेश करो, आ जाओ मेरे कोल इस दरवाजे तेरा। शब्द दे राही ही प्रकाश तक पहुंच जाओ। सुरत नू केवल शब्द तक पहुँचाना है, शब्द ही चानना कर देंदा है, प्रकाश कर देंदा है, घर नू प्रगट कर देंदा है। इस वास्ते इंज कह लो, सारी धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दर की व्याख्या है, घर की व्याख्या है। सो दर कहा, सो घर कहा, जित वह सर्व संभाले। जद समझ आ गई, बोध आ गई कि घर की साजना उसकी अपनी है, आप ही ने आप साजो, उसकी साजना किसी होर ने नहीं की थी, तो दर की साजना भी उसने आप ही की थी। यही कारण है कंधार दे सूफी फकीर ने जब गुरु नानक ते प्रश्न किया, जन्म साखी दे बोल, रह नो माए तो किस, तुहाडा रहबर कौन है, तुसी इतना ज्ञान किस तो लिया, बड़ा ज्ञान है थोड़े को, थोड़े को बैठद बड़ी समझ मिलती है, थोड़े को बैठद बड़े अनुभव खुलते हैं, ये दसो ये सारा ज्ञान तुसी कितों लिया, रहनो माए तो किस, शब्द इस तरह लिखे हुए ने जन्म साखी, थोड़ा रहबर कौन है, थोड़ा गुरु कौन है, थोड़ा पथ प्रदर्शक कौन है, रहन माए तो किस। सिर्फ दो शब्दों दे चे प्रश्न है कंधार दे सूफी फकीर दा। कंधार दे सब तो वड्डी मजार ऐसे ही फकीर दी है, कंधारी फकीर करके इसनों कहिंदे ने, दास ने देखे, बहुत वड्डा मकबरा है इसका। उर्स जद लगदा है तो इंज कह लो सारा अफगानिस्तान उत्थे इकट्ठा हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त ये सूफी संत मौजूद सी। अरब देशां नू जांदिया होया और उज़्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान दा भ्रमण करके गुरु नानक देव जी महाराज अफगानिस्तान दे रस्ते ईरान होंदिया होया इराक गए ने। रस्ते दे इसे ही सूफी संत कोल कंधार दे ठहरे,
और जन्म साखी इंज लिखा है, ज्यों सतगुरु तैयारी करते चलना है, एक कदम पकड़ लेंदा सी नहीं, एक दिन हो एक दिन हो, फिर ज्यों सतगुरु दूसरे दिन तैयारी करते ने चलना है, फिर एक कदम पकड़ लेंदा नहीं, एक दिन हो। इस तरह जन्म साखी च लिखे है 17 दिन पातशाह नू रोकी रखे। अठारवें दिन उसने आप ही हाथ जोड़ ले, महाराज हुण मेरे वस तो परे दी गल है, मेरा वस चले तो आप हमेशा इत्थे रहो इत्थे रहो, पर नहीं, बदल नू रोकना एक जगह ठीक नहीं, बरसदा रहे बरसदा रहे बरसदा रहे। सजदा कीता है उसने, पूछिया उसने ये अखीरला प्रश्न, रोज ते सुनदा है बचन, कुछ पुछदा है, पर अज पुछदा है रहनो माए तो केस, तुहाडा रहबर कौन है? इतना ज्ञान, इतनिया गुजिया रमजा, इतने भेद तुसी खोल दे, रहनो माए तो केस। हुण महाराज जवाब देंदे ने, खुदाए मन, दो अखरां दे चोने प्रश्न कीता है, दो ही शब्दां सतगुरु ने उत्तर दिता है, रहनो माए तो केस, तुहाडा रहबर कौन? खुदाए मन, मेरा खुदा ही मेरा रहबर है, मेरा खुदा ही मेरा गुरु है, और मेरा कोई गुरु नहीं। भगत कबीर कहंदे ने, कहो कबीर मैं सो गुर पाया, कुछ भी भगत माल च लिखे होवे, कबीर अपनी बाणी जो गुरु दा नाम पे 10 दिन मैं थानू वह सरवण करा रहे हैं। कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाम बिबेको, मेरे गुरु दा नाम ज्ञान है, और मेरा कोई गुरु नहीं है। जिवें सारा चानना सूरज तो आंदा है भावे दीवे च होवे, सारा ज्ञान परमात्मा च आउंदा है भावे व्यक्ति च प्रगट होवे, आउंदा परमात्मा तो। ज्ञान किसे निजी मनुख की जायदाद नहीं है, ज्ञान दे उते मनुख अपने अपणंत की मोर नहीं ला सकता, ज्ञान सारा परमात्मा तो आउंदा है, ईश्वर तो आउंदा है। रहे न माए तो कीस, खुदाए मन। फिर महाराज अपनी बाणी च भी ऐसा फरमान करते ने, अपरंपर पार ब्रह्म परमेसर, नानक गुर मिलिया सोई जियो, ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बचन सरवन करो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हम।